Sony Live, we live to entertain. Download the app. Latest episodes देखने के लिए Sony Live app download करें. Sony Live, we live to entertain. ऋषि सीधा बैठो बेटा, लेस बांध रही हूँ ना मैं. मम्मी लेट हो रहा है, टिफिन करना. हाँ आई बाबा, फटाफट फटाफट. ऋषि ये बैग थी बाबा. नमस्ते माँ जी. मासी मासी. अच्छा जी मासी आ गई तो मासी मासी कर रहे हो, इतने दिन किसी को मेरी याद भी नहीं आई. हम्म, मासी मैं आपको फोन किया था लेकिन आपने उठाया ही नहीं. आ झूठा, इसने किया ही नहीं था. मासी ये बहुत झूठ बोलता है. आरब गलत बात, ऐसे झूठ नहीं बोलते. प्रॉमिस करो तुम आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे. प्रॉमिस. अच्छा देखो मैं ना खाटू श्याम जी गई थी, वहां के मंदिर से तुम दोनों के लिए ये लॉकेट लेके आई हूँ. निधि जरा मदद करो ना. इसे अपने गले से कभी मत निकालना. हम्म, ऋषि बेटा ले. अरे कैसी हैं आप, बड़े दिनों बाद हमारी याद है आपको. हाँ खाटू श्याम जी के मंदिर गई थी. ये लीजिए प्रसाद. खाटू श्याम जी के मंदिर, बड़े वहाँ का प्रसाद बहुत फेमस है, मेरा फेवरेट है. अच्छा बच्चों चलो स्कूल भी लेट हो रहा है, आगे चलते हैं. चलो बाय बाय बाय. ये लो आ गया स्कूल. अच्छा अब मैं चलती हूँ, राजीव से भी मिलने जाना है, उसको भी प्रसाद दे आऊँ. सुना है मेरी बहन ने मुझे याद किया. अरे अच्छा हुआ तो यही आ गया. ये ले खाटू श्याम जी का प्रसाद लाई हूँ. थैंक यू सो मच. अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे ना बैग पैक करना है. दीदी आप कहीं जा रही हैं? हाँ ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ. बस ये चाबियाँ देने आई थी, बीच बीच में जरा चक्कर मार लेना, नजर रखना जरा घर पे. दीदी ये भी कोई कहने वाली बात है? अच्छा माँ जी चलती हूँ. चलो मैं तुम्हें छोड़ने आती हूँ. अरे कौन है ये नॉन स्टॉप हॉर्न बजा रहा है? जी कौन है? ए, ए भाई साहब क्या तबीयत खराब है भाई साहब? भाई साहब, ए भाई साहब, अरे अरे ये जयसवाल साहब है. अरे किसे चाकू मार दिया जयसवाल साहब? जल्दी फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी जल्दी. सुरेश सुरेश कहाँ है? सुरेश सुरेश मैं जी अभी सुरेश. संभालिए संभालिए अपने को. क्या हुआ? संभालिए अपने को. हेलो पुलिस स्टेशन. हटिए हटिए वहां से. चाकू अभी तक पेट में ही है, काफी खून बहा है. एक काम करो फोरेंसिक वाले को फोन करो. सर इनको सबसे पहले किसने देखा? अब मैंने देखा था सर, बहुत देर से हॉर्न बजाने की आवाज आ रही थी. नजदीक जाके देखा तो अपना सुरेश भाई थे. इनकी फैमिली? ये सर इनकी फैमिली है सर. देखिए मैं समझता हूँ कि इनकी फैमिली बहुत सदमे में है, लेकिन अगर हमें मर्डरर तक पहुँचना है तो हमें कुछ सवाल तो पूछने होंगे. वैसे आप कौन? सर मैं सुरेश जयसवाल जी का साला हूँ, निधि का कजिन ब्रदर, और सामने वाले घर में रहता हूँ. ओके. अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये सुरेश जयसवाल एग्जैक्टली क्या काम करते थे? सर उनकी मनी लैंडिंग की फर्म थी. अच्छा तो इस मनी लैंडिंग के सिलसिले में किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ? अगर कोई प्रॉब्लम होती भी तो वो हमें क्यों बताता? बहुत लायक बेटा था. हम लोगों को अगर कोई परेशानी हो गए इसके लिए उसने आज तक कभी कुछ भी नहीं बताया हम लोगों को.
वैसे ये सुरेश जायसवाल के पास उनका अपना लैपटॉप वैपटॉप तो होगा, तो उनका लैपटॉप हमें सीज करना होगा। क्या हो गया भाई को? एक बात बताओ गायकोड, ये बच्चों का स्कूल इसके घर से कितनी दूरी पर है? सर 700 मीटर, शायद इन दोनों कैमरास के बीच। तो ये हो सकता है कि सुरेश जायसवाल ने इन दोनों बच्चों को स्कूल से पिकअप किया, इन बच्चों ने ही सुरेश को चाकू मारा और फिर बच्चे भाग गए। या फिर ये भी हो सकता है कि स्कूल के आसपास किसी ने सुरेश पर अटैक कर दिया हो। लेकिन सर सुरेश के मोबाइल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसे आखिरी कॉल गोखले चौक के पीसीओ से किया गया, उसके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो वहाँ गया भी था और वहाँ से वो घर लौटा जहाँ वो अपनी गाड़ी में मरा हुआ मिला। तो ये हो सकता है कि इस पीसीओ के आसपास ही किसी ने उस पर अटैक कर दिया हो। एक काम करो, उस पीसीओ वाले से पता करो, देखो उसको उस बंदे का चेहरा याद है क्या जिसने सुरेश जायसवाल को कॉल किया था, हो सकता है उसे कुछ याद हो। सर सुरेश जायसवाल का प्यून प्रकाश आया, भेजो उसे। नहीं साहब, ऑफिस में कुछ नहीं है साहब। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? अरे कुछ तो होगा ना, क्या सिर्फ टेबल कुर्सी ऑफिस में, किसी क्लाइंट की फाइल हिसाब किताब कुछ तो होगा। साहब मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, वहाँ कुछ नहीं है। फाइल तो क्या, किसी के नाम का एक कागज तक नहीं है सर। अगर आपको विश्वास हो तो आप चलकर खुद देख लीजिए। मैंने कहा था ना गायकोड, मनी लेंडर आदमी है, पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साहब का किसी से कोई झगड़ा था, मतलब तुमने कुछ देखा हो ऑफिस के अंदर ऑफिस के बाहर कहीं भी कुछ भी? सर बाहर का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी बहन और जीजा आए थे सर। हिस्से के नाम पे मुझे मिला है क्या है? हिस्से के बाद भी बहुत कुछ दिया है मैंने तुम्हें। क्यों नहीं दिया मैंने, बताइए। इनसे क्या बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे। क्या प्रकाश पानी दिया ना, जाओ। चुप क्यों जीजा जी, बताइए। ठीक है मैं बता देता हूँ, वो मैंने पिछले 2 साल में सुरेश से 2 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। हाँ तो अपने जीजू को थोड़ा सा क्या दे दिया तो इतना सुना रहे हो, और अपने साले को इतना बड़ा घर दे दिया उसका क्या? वो घर मैंने नहीं, पापा ने दिया था उसे, और पापा के डिसीजन के अगेंस्ट में जा नहीं सकता, समझी तुम? पापा का बहाना मत बनाओ, साफ साफ बोलो कि तुम जोरू के गुलाम हो और अपने साले से वो घर वापस नहीं ले सकते। थोड़ा सोच समझ के बोलो तुम क्या बोल रही हो। सुरेश जायसवाल की मौत 15 मिनट तक खून के बहने की वजह से हुई है, और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, उस सुनसान जगह से लेकर सुरेश के घर तक पहुंचने में लगभग उतना ही टाइम लगता है। अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं सुनीता, कि ये दोनों खून तुमने क्यों किए? मैंने हारवर ऋषि को आने के लिए ये सब किया, उनकी ममता में किया। ये कैसी ममता है तुम्हारी? जिन 2 बच्चों से तुम बेहद प्यार करती थी, तुमने उन्हीं 2 बच्चों को अनाथ बना दिया, और उनको अनाथ बनाने के बाद तुम उन्हें अपनाना चाहती थी। हाँ, मेरी शादी के 1 साल के अंदर ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरा मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मैं फिर से माँ नहीं बन सकती, मेरा लगाव हारव और ऋषि की तरफ बढ़ने लगा, मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह देखने लगी, और वो लोग भी मुझे अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते थे, और मुझे निधि और राजीव के बारे में भी पता चल गया था। निधि और सुरेश के झगड़ों के बारे में मुझे बच्चों ने बताया, मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं इन दोनों को मार कर मैं बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी। गोखले चौक के पीसीओ से मैंने फोन करके कहा कि जरूरी बात करनी है, ये कहकर मैंने सुरेश को वहां बुलाया। मुझे डर था कि अगर सुरेश बच गया तो वो सबको मेरे बारे में बता देगा, लेकिन वो मर गया। अब निधि की बारी थी। मुझे पता था कि निधि रोज़ शाम को छत पर कपड़े लेने जाती थी, लेकिन मैं सबकी नज़रों से बचकर वहाँ जाना चाहती थी। मैंने आरव से झूठ बोला कि मैं उसकी मम्मी से बात करने आ रही हूँ, पीछे का दरवाज़ा खुला रखे। फिर मैं उस दरवाजे से चुपचाप छत पर चली गई, और आरव के जाने का वेट किया,
और उसके जाने के बाद चुपचाप उसी दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके बाद मैं आप लोगों के आने के बाद वहाँ पहुँची ताकि सबको यही लगे कि मैं तभी पहुँची थी और किसी को मुझ पर शक ना हो। मैंने ये सब आरव और ऋषि के लिए की, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो है ही नहीं। सुरेश जायसवाल और निधि जायसवाल के मर्डर के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ सुनीता। लेटेस्ट एपिसोड्स देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।